हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपकी दोस्त योगिता बेस्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो पार्ट सेकंड होने वाला है, जिसमें मैं बहुत डिटेल डिस्कशन करने वाली हूँ कैसे आप एमसी स्टैंड को बहुत ही रियलिस्टिक ड्राइंग बना पाएंगे। तो पार्ट वन मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है मेरे चैनल में, आप मेरे चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से भी आप उसे चेक इट आउट कर सकती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें मैं बहुत डिटेल तरीके से बताऊंगी कैसे आप रियलिस्टिक तरीके से ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने फेस में 2B पेंसिल से शेड कर दिया है, उसके बाद मैंने कॉटन बट से ब्लेंडिंग कर दी है स्मूथ तरीके से। और जहाँ पे आपको डार्कन टोन चाहिए तो आप 8B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डार्क टोन के लिए मैंने 8B पेंसिल का यूज़ करा है, उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ करा है, जिससे स्मूथ तरीके से ब्लेंड हो जाएगा और आर्टवर्क मेरा बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से बनने वाला है गाइज। तो वीडियो को फुल एंड वॉच जरूर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। हेयर्स में मैं लेयरिंग करूंगी, 2-4 लेयरिंग करूंगी। तो सबसे पहले मैंने 2B पेंसिल का यूज करा, उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग स्टम से ब्लेंड कर दिया, उसके बाद मैं 4B पेंसिल, उसके बाद 8B पेंसिल का यूज करूंगी। क्योंकि हेयर्स में जितना आप ब्लेंडिंग करेंगे, जितना आप लेयरिंग करेंगे, उतना ही आपके आर्टवर्क में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा गाइज। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी शार्प पेंसिल का यूज़ करूंगी जहाँ पे मुझे डिटेलिंग्स करनी है, जिससे मेरा आर्टवर्क बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से लगेगा गाइज। तो यहाँ पे मैंने डिटेलिंग्स करना स्टार्ट कर दिया है, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करूंगी। हेयर्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल का यूज़ करा है, वो भी स्ट्रोक्स बहुत ही सिंपल लगाए हैं, जिससे आर्टवर्क बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से लगेगा। तो बस आपको डिटेलिंग्स की तरफ बढ़ना है, कौन सा एरिया डार्क है, कौन सा एरिया लाइट है, आपको ऑब्जर्व करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेंसिल को चूज़ करना है गाइज। यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग के लिए मैंने फेस के लिए मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ करा है, उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग स्टम का यूज़ करा है। ब्लेंडिंग स्टम को बिल्कुल बोथ साइड से क्लीन कर दिया है, जिससे उससे ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। बस आपको फोटो को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे मैं डिटेलिंग में आ गई हूँ, अब मैंने हैंड्स को ड्रॉ करूंगी। तो सबसे पहले मैंने 2B हैंड्स में पूरे अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया है, उसके बाद अब मैंने डिटेलिंग्स की तरफ बढ़ूंगी। बस मैं फोटो को ऑब्जर्व करती हुई जाऊंगी, कहाँ पे कैसा इमेज है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेंसिल को यूज करना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे दोस्तों, उतना ही आपके आर्टवर्क में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक्स के लिए हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे लाइट पेंसिल का यूज करा है और स्ट्रोक्स लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे कि स्ट्रोक बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से लगेंगे। तो आपको स्ट्रोक की पेंसिल की प्रैक्टिस आप साइड पेपर में रफ पेपर पे कर सकते हैं, जिससे फाइनल में कोई चीज़ बिगड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है डिटेलिंग्स करना, जिससे आर्टवर्क मेरा बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से लगने वाला है। तो वीडियो को फुल ऑन वॉच जरूर करिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी है मेरे चैनल में, आप मेरे चैनल में जाकर विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद हैंड को ड्रॉ होने के बाद यहाँ पे मैंने फाइनल टच दे दूंगी, एक बार हेयर्स को ड्रॉ कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल का यूज़ करके हेयर्स में स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है, जिससे मेरे हेयर्स बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से लगेंगे। तो डार्कर पोर्शन को फ्रेम करने के लिए यहाँ पे मैंने 2B पेंसिल का यूज़ करा है, उसके बाद मैं 8B पेंसिल का यूज़ करूँगी और ब्लेंडिंग स्टम्प से स्मूथ कर दूँगी। ब्लेंडिंग बहुत ही बेस्ट रहती है, जब भी आप ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ब्लेंडिंग स्टम्प को यूज़ करना चाहिए। था आज का वीडियो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके आऊंगी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो मैं मिलूंगी एक नए वीडियो में नई आइडिया के साथ, तो तब तक ले बाय बाय।